इस महीने पेट में हल्की हल्की सी दर्द हुई या दर्द हो रहा है अभी भी आपको, तो ये जो दर्द है ये क्या प्रेग्नेंट होने का दर्द है या फिर कुछ दिनों में डेट है मेरी, तो क्या वो आपके पीरियड्स आने का डेट है, या फिर वो पेन जो हो रहा है वो क्या पीरियड क्रैम्प है? कैसे पहचानेंगी? दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है, बहुत बड़ा इनफैक्ट फ़र्क होता है। और वो कौन सा फ़र्क होता है? इस क्रैम्प के नॉलेज को लेके आप जानेंगी। जैसे कि क्या जो प्रेगनेंसी का क्रैम्प होता है, जैसे कि आपका इस महीने इम्प्लांटेशन जो है सक्सेसफुल रहा। अब अगर सक्सेसफुल है, सही से इम्प्लांटेशन हो गया, तो क्या होगा आपके पेट में? हो सकता है बहुत सारी महिलाओं को, मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन क्रैम्प को महसूस किया था, उस वक्त वो जो पेन होता है वो सिमिलर हल्का सा मिलता जुलता होता है पीरियड के क्रैम्प से, क्योंकि महिलाएं अक्सर पीरियड के क्रैम्प को ही जीती आई हैं, तो उनके पेट में हल्का सा थोड़ा सा तीव्र भी दर्द हो जाता है ना, तो डायरेक्ट उनका अनुभव पीरियड के क्रैम्प से जाता है। अब सोचने वाली बात ये है कि वो जो इम्प्लांटेशन का क्रैम्प होगा वो इम्प्लांटेशन के समय ही होगा, उसके बाद नहीं होगा, उसके पहले से नहीं होता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक समय ये दर्द रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 से 2 दिनों तक, और मिनिमम उसी वक्त या 1 से 2 घंटों तक ही, ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं होगा। अक्सर महिलाओं को एवरेज में अगर बोले तो ज़्यादा कितने दिनों तक, तो उसी घंटे 1 से 2 घंटे तक ही दर्द होता है, उससे ज़्यादा अनुभव नहीं होता है। ये जो पेन होता है ये पेट के निचले हिस्से में या फिर आपके किसी एक साइड पेट में ज़्यादा, जैसे कि लेफ़्ट या राइट साइड ज़्यादा महसूस हो रहा है, हल्की सी कमर में भी क्रैम्पिंग होती है, फिर चली जाती है। और ये क्रैम्प इम्प्लांटेशन का बार बार नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है, सिर्फ वन टाइम होता है। अब पीरियड्स का क्रैम्प, आपके पीरियड का जैसे कि डेट अगले दिन है, जैसे कि कल है, तो हो सकता है कि आज से वो क्रैम्प आना शुरू हो हल्का हल्का, और ये पीरियड जब तक नहीं आ जाता है तब तक ये क्रैम्प रहता है। ये 1 दिन या 1.5 दिन पहले शुरू होता है और जब तक नहीं आ जाता है तब तक रहता है। ऐसा नहीं है कि पीरियड का क्रैम्प आ रहा है जा रहा है, वो ऐसा नहीं होता है। ये प्रेगनेंसी में भी सेम वही रूल है जो मैंने बताया, पीरियड्स में भी वही होता है, क्योंकि आप हर महीने ये जो एक्सपीरियंस होता है आपके साथ, आप जानते हो कि किस तरीके से होता है। तो पीरियड्स का क्रैम्प पीरियड्स के आने से कुछ ही घंटे पहले या कुछ दिन पहले ही शुरू होता है, और वो जब शुरू हो जाता है तब वो गायब हो जाता है। इम्प्लांटेशन में भी कई महिलाओं को हल्की सी स्पॉटिंग होती है, फ्लो नहीं, हल्की सी स्पॉटिंग होती है, लेकिन पीरियड्स में महिलाओं को फ्लो होता है, और ये 5 दिनों तक 6 दिनों तक